गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑफ सौरभ सर। कल के जो कल जो हमने था वो द फन दे हैड नाम का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उसकी स्टडी करी थी। वो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक उसकी स्टडी की होगी। आज हम जो हमारी पोयम है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि नेचर के बहुत अच्छे कवि हैं, उनके जो इस पार्ट में जो आपकी ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसमें पोएट ने कभी कभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे हमको दो में से कोई एक रास्ता चूज करना पड़ता है, दो में से कोई एक। तो राइटर वही कह रहा है द रोड नॉट टेकन कि किस रोड पे हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, द रोड नॉट टेकन किस रोड पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पोएट के नेचर पोएट हैं। ही वाज ए बेस्ट नेचर पोएट। उन्होंने हर तरीके की नेचर पर उन्होंने हर तरीके की नेचर, जितने भी क्रिएचर्स हैं, एनवायरनमेंट है, जो भी है आपका, उस पर उन्होंने बहुत सी पोएम्स कंपोज की हुई हैं। तो इसी में से आपके सिलेबस में एक पोयम है जो फर्स्ट पोयम है आपकी द रोड नॉट टेकन, इसकी आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द पोयम। पोएट के बारे में आपको बता दिया गया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, उनके द्वारा ये पोयम कंपोज की गई है द रोड नॉट टेकन। तो सबसे पहले अबाउट द पोयम जान लेते हैं कि पोयम में कवि जो है, जब पोएट है, वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो लिखा है द रोड नॉट टेकन हैज ए सिम्बॉलिक मीनिंग, द रोड हैज नॉट टेकन हैज ए सिम्बॉलिक मीनिंग। सिम्बॉलिक मीन्स क्या होता है, चिन्ह, सिंबल माने क्या होता है, उसी से बना है सिंबॉलिक। सिंबल मीन क्या होता है, चिन्ह, साइन, निशान। सिंबॉलिक मीनिंग हियर द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ, यहाँ पर जो रोड है, जो सड़क है आपकी, वो ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है, जो रोड है आपकी वो ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है, अर्थात ह्यूमन लाइफ में हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि दो रास्ते दिए होते हैं, ठीक है, दोनों ही अच्छे होते हैं, पर हमको क्या करना होता है, उनमें से किसी एक को चूज करना होता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर में जब होते हैं तो कोई दो बेस्ट चीजें बता दी जाती हैं आपको, दे दी जाती, कोई ऑप्शन दे दिया जाता है आपको, कोई दो बेस्ट चीजें करने का कि आप या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो आप उन दो में से कोई एक ही चीज को क्या कर पाते हैं, चूज करते, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है, आपके सामने स्वीट्स रख दी जाए, मान लो मिठाइयां रख दी जाए, ठीक है, तो दो स्वीट्स कोई जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी कुछ भी हो जो आपको बहुत पसंद है, वो दोनों ही रखी हो और आपसे कहा जाए कोई एक आप खा सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन दो में से कोई एक को ही आप क्या करते हैं, चूज करते हैं और उसको ही क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, ईट करते हैं। तो उसी प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो हमारी पोयम है द रोड नॉट टेकन, उसमें हमें मानव जीवन में जो कभी कभी संशय की स्थिति आती है कि हमें कौन सी रास्ता, कौन सी सड़क पर चलना चाहिए, जिस पर चल के हम क्या हो जाएं, हमें आगे गेन हो, ठीक है,
उस रोड पर चलने के प्रॉफिट और लॉस क्या है, नफा नुकसान क्या होता है, तो इस पोयम में कवि ने वही बात बताई है। तो लिखा हुआ है, व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू टू, जब जीवन रूपी द रोड ऑफ लाइफ, जब जीवन रूपी सड़क, हमारे जीवन, हमारा जीवन क्या है, चलते रहते हैं, हमारा जीवन क्या है, चलना, तो चलते किस पर है, सड़क पर ही तो चलते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो क्या है, एक रोड की तरीके से है। और रोड में कभी कभी क्या होता है, हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दो रास्ते निकले होते हैं, एक लेफ्ट चला जाता है और एक राइट। आप लोग जब जाते होंगे साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तब क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे दो रोड आ जाती हैं, तो किधर आपको टर्न करना है, जिससे आपका घर मिल जाए आपको, है ना। कभी कभी ये स्थिति आती है, सबके सामने आती है। तो कभी कह रहा है, व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू टू, कि जब जीवन रूपी, ठीक है, सड़क डिवाइडेड इनटू टू, दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, बट जाती है, दो रास्ते आ जाते हैं। वी फाइंड अवर सेल्फ इन डिलेमा, डिलेमा मीन्स होती है परेशानी, ट्रबल। तो हम को कुछ परेशानी होती है, वी फाइंड अवर सेल्फ इन डिलेमा, तो हमको कुछ क्या होती है, डिलेमा मीन्स परेशानी होती है, कुछ कठिनाई आती है कि किस रोड पर हम चले जाएं। वी हैव टू मेक ए चॉइस, तब हमको एक चॉइस मीन्स क्या, एक चीज को चुनना होता है, हमको क्या होता है, एक रोड को चुनना होता है। द रोड दैट वी चूज डिसाइडेड आवर फ्यूचर, और जिस रास्ते को हम चूज करते हैं, चुनते हैं, डिसाइड आवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य का निर्णय करती है। भाई दो रोड तो है, एक अच्छी है, खराब है, तो क्या करेंगे, जो अच्छी रोड पे चला जाएगा, जो अच्छी रोड पर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर, भविष्य में वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर हमने क्या किया, अगर बुरी रोड को, बैड रोड चूज कर ली, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा, होता है, नहीं होता है। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वही ह्यूमन लाइफ के जो मोड़ आते हैं, दो रोड्स पे जब हम खड़े होते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, उसी को इस पोयम में उन्होंने बताया है। तो द रोड दैट वी चूज डिसाइड्स अवर फ्यूचर, जो रोड है जिसको हम चुनते हैं, वो हमारे फ्यूचर को क्या करती है, डिसाइड करती है, हमारे भविष्य को डिसाइड करती है। विच में लीड अस टू सक्सेस आर फेल्योर, जो हमको ले जाती है सक्सेस आर फेल्योर, या तो सफलता के रास्ते पर या असफलता के रास्ते पर। भाई हम रोड अगर चूज करेंगे तो हमको पता होता है कि किस रास्ते पर हम जाएंगे, किस रास्ते पर चलने से हमको सक्सेस मिलेगी, और किस रास्ते पर चलने से हम शायद फेलियर हो जाए, हमारी लाइफ क्या हो जाए, लाइफ में हम फेल हो जाए। तो कवि कहता है, विच में लीड अस टू सक्सेस आर फेल्योर, हम उस रोड का चयन करते हैं जिसके द्वारा हमको सफलता अथवा असफलता कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो देखते हैं चार लाइंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो लिखा है, दैट रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, द रोड्स जो सड़कें हैं, डाइवर्ज मीन्स होता है डिवाइड, विभाजित हो जाती हैं, बट जाती हैं इन येलो वुड। येलो वुड मीन्स पीला जंगल, येलो वुड मीन्स क्या है, पीला जंगल, येलो वुड, वुड मीन्स होता है जंगल। अब येलो, येलो यहां पर आपको सीजन बता रहा है, येलो वर्ड क्या है, आपको यहां पर सीजन बता रहा है,
येलो वुड मीन्स पीला जंगल, अर्थात ये पतझड़ का मौसम है। जब लेखक ने ये कविता लिखी थी तब क्या था? ऑटम, AUTM। तो ऑटम जो होता है पतझड़ का मौसम होता है। तो जब लेखक ने ये पोयम कंपोज की थी तब पतझड़ का मौसम था। तो द टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। येलो वुड मीन्स होता है क्या? येलो मीन्स पीला और वुड मीन्स जंगल। तो जंगल जो है पीला है, मतलब पीला अर्थात ऑटम का मौसम है। यहाँ पर येलो जो है सीजन को क्या कर रहा है? मौसम को बता रहा है कि किस मौसम में कवि ने कविता लिखी। तो ये द रोड डाइवर्ट इन येलो वुड, जो रोड है सड़क है वो जंगल की ओर चली जाती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड सॉरी। और वो कहता है, वो क्षमा मांगता है अपने आप से, स्वयं से, कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकता। ट्रेवल मीन्स यात्रा और बोथ मीन्स दोनों पर। क्या आप दो रोडों पे एक साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। आपके सामने अगर कोई दो रोड है तो आप केवल एक ही रोड पर ट्रेवल कर पाएंगे, दोनों पे नहीं चल सकते। क्या कोई चल सकता है? अगर कोई चल सकता हो स्टूडेंट तो बताए हमें कमेंट करके। नहीं चल सकते। तो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोट, वो कहता है कि वो स्वयं से क्षमा मांगता है, कहता है कि मैं इन दोनों रोड पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्गेस्ट, एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ट्रेवलर यात्री हूं। लॉन्गेस्ट, मैं काफी लंबे समय से यहां पर खड़ा हूं। कहां पर? जहां पर दो रोड जाती हैं वो उनके बीच में खड़ा है कि किस रोड पर लेखक को, पोएट को जाना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता हूं वन एक रोड को एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता हूं। भाई रोड होती है आपके घर की, तो आप एक निश्चित दूरी तक ही उस रोड को क्या करते हैं? देख पाते हैं। एक निश्चित दूरी तक देख पाते हैं, क्योंकि अगर मोड़ आ जाता है कोई रोड पे तो फिर हमको आगे की रोड दिखाई नहीं देती है। तो लेखक कहता है एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक्ड डाउन, मैं देखता हूं वन एक सड़क को एज फार एज आई कुड, जितनी दूर मैं उस पर देख सकता हूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, टू वेयर इट बेंट, जहां पर ये बेंट मीन्स घूम जाती है, इन द अंडरग्रोथ, इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मीन्स होते हैं जो छोटे छोटे पेड़ नहीं होते रोड के किनारे जो जमे हुए, अंडर ग्रोथ माने जिनकी अभी ग्रोथ हो रही, वृद्धि हो रही। तो टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो मैं देर तक खड़ा रहा तथा सड़क को दूर तक वहां से देखता रहा, जहां दूर या मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में, ठीक है, क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो उसके बाद कहता है देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, या बड़ी अनिश्चय या दुविधा की स्थिति में है लेखक। क्या है? बहुत ही परेशान है, डिलेम्मा में है, ट्रबल में है, परेशानी में है कि वो किस रोड को चूज करे। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, देन टूक द अदर, मैं एक रोड को, दूसरी रोड को चुनता हूं जस्ट एज फेयर, जो मेरे लिए अच्छी हो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस पर चलकर मैं अच्छी जगह पहुंच पाऊं। बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड बियर, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी, या इस पर घास उगी हुई है, एंड वांटेड वियर, और इस पर बहुत से लोग चल चुके हैं, ठीक है। तब जो लेखक है दूसरा मार्ग चुनता है जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, ठीक है। दो एज फॉर द पासिंग देयर, दो एज फॉर द पासिंग देयर, तो
कभी कहता है कि दो एज फॉर द पासिंग देयर, कि मैं उस रोड से अर्थात वहां से गुजर जाऊंगा। ट्रेन टू द अदर जस्ट एज फेयर, उसके बाद वो दूसरी रोड पर जाता है जस्ट एज फेयर, जो कि उतनी ही अच्छी है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और सोचता है कि यह शायद दूसरे से और अधिक अच्छी है। ठीक है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि इस पर घास जमी हुई है। तो पार दैट द पासिंग देयर, शायद मैं यहां से गुजर जाऊं, हैड बार देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जब वो उस रोड पर, दूसरी रोड पर चला, तो उसे चलने के, ठीक है, चलने के चिन्ह दिखाई दिए, हैड बार देम रियली अबाउट द सेम, कि उस पर बहुत से लोग निकल चुके हैं, बहुत से लोग गुजर चुके हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों रोड्स पर उस सुबह समान समान क्या है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उन दोनों रोड्स पर पत्तियां बिछी हुई हैं, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, लेकिन एक रोड पर, एक जो सड़क है, उस पर किसी ने कदम नहीं रखा है। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि उस पर किसी ने, उस रोड पर कोई अभी और नहीं चला है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कहता है कि मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट, मैं पहली रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूं, फॉर अनदर डे माने दूसरे दिन के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, येट नोइंग, मैं यह जानता हूं हाउ वे लीड्स टू वे, कि एक मार्ग से और एक मार्ग निकल आता है। मैं जानता हूं कि एक रास्ते पर चलने से दूसरा रास्ता भी क्या होता है, निकल आता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं दोबारा इस रोड पर कभी वापस आ सकूंगा। लेखक कहता है कि मैंने एक रोड को चूज कर लिया है जिस पर कोई भी नहीं चला है, जिसकी पत्तियां अभी बिल्कुल ताजी हैं, बिछी हुई हैं, उस रोड पर कोई नहीं चला है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, और मुझे ये भी पता है कि मार्ग पर चलने से दूसरा मार्ग मिल जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह भी है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी वापस आ सकूंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा दिस विद ए साई, एक लंबी आह भरकर मैं आपको ये बता रहा हूं, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि इस Somewhere ages and ages hence, कि कहीं ना कहीं ages and ages hence, कि ये युगो युगो के बाद, ठीक है, ये दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में चली गई। टू रोड्स डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन क्या होता है, डिवाइड, वही लाइन लिख दी है कि टू रोड्स डाइवर्ड इन ए बोर्ड, ये दो जो सड़कें हैं वो जंगल की ओर विभाजित हो गई हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, लेकिन आई टोक, मैं चुनूंगा, मैंने चुनी द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उस सड़क पर, उस सड़क को मैंने चुना जिस पर वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम चला गया है। अर्थात लेखक जो है वो उस रोड पे नहीं जा रहा है जिस पर सभी लोग चलकर जा रहे हैं। लेखक ने लिखा है आई टोक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, कि मैं उस रोड का चुनाव मैंने किया है जिस पर बहुत कम लोग, अर्थात नहीं के बराबर, जिस पर कोई नहीं चला, मैंने उस रोड का चयन किया है।
एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और दैट मेड इसी ने, और इसी ने सारे अंतर कर दिया है, और इसी ने क्या किया है कि लेखक जो है उस रोड पर यात्रा कर रहा है जिस पर बहुत कम लोग चल रहे हैं, और इसी वजह से ये सारा अंतर आ गया है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि वो जो कवि बन गया है उसने एक डिफरेंट रोड का चुनाव किया, अपने जीवन में डिफरेंट चीज चुनी, जो सबने किया वो लेखक वो कवि ने नहीं किया। वही कह रहा है कि आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड वाई, कि मैंने उस रोड का चुनाव किया है जो क्या है, बहुत कम चली गई है, जिस पर कोई नहीं चला गया है, और यात्रा इसी की, ये जो आज मैं हूं, जो बन गया है जो कवि, इसी का ये सब अंतर है कि उसने एक अच्छी रोड का चुनाव किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। गणेश, गणेश सही तो कल आए रहे हो? आए नया अच्छा तो क्या कह रहे हो? अच्छा रौनक का है बताओ है? मजाक हो गए थे ओके हेलो 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 हाँ बताओ बताओ रौनक बताइए नंबर नंबर बोलो तो यार कुछ बोल तो ना नंबर बोलो नंबर नंबर
करते हैं।